हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं लेके आ गया हूँ कक्षा दसवीं वालों के लिए हिंदी का पेपर। जी हाँ, जिन बच्चों ने रुक जाना नहीं में फॉर्म भरा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पेपर। तो आइए पूरा पेपर यहाँ पर एनालाइज हम करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले, सारे क्वेश्चन पे एनालाइज करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं, जो जो निशान लगाएंगे सारे क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। तो आप पेपर को पूरा एनालाइज कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको सही विकल्प अच्छे से पढ़ लेना है। देखो, सुर सागर के रचनाकार कौन है? सूरदास। ठीक है, दूसरा आंसर देखो, प्रवचना का शाब्दिक अर्थ है धोखा। तीसरा है करुण रस का स्थायी भाव शोक। शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई प्रशासन के अधिकारी द्वारा। दशानन में समास बहुब्रीही। ठीक है, भोलानाथ का असल नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। ठीक है, और यहाँ पर सही जोड़ी मैंने बिल्कुल यहाँ पर सही बना दिए। तो आप मिला लेना, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, और अच्छे से याद कर लो। फिर सत्य असत्य देखने को मिलेंगे, तो सत्य असत्य भी निशान लगा दिए, तो आप ये भी स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो। फिर आएंगे आपके रिक्त स्थान 7 नंबर के। ठीक है, सारे के मैंने रिक्त स्थान यहाँ पर भर दिए हैं, तो आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना है और याद कर लेना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर एक वाक्य एक शब्द वाले आंसर भी आ गए आपके, देख लो अच्छे से। सारे के आंसर भी प्रोवाइड करवा दिया है मैंने, ठीक है। और यहाँ पर 6 नंबर, सॉरी, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 से आपके 2 नंबर के स्टार्ट हो चुके हैं ये वाले, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद कर लेना है, इस पेपर को पूरा अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो रुक जाना नहीं मैं, आप अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पर कवर कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 से देखो, महाकाव्य वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुप्रास अलंकार देखो, हास्य रस, नाटक एकांकी, आत्मकथा, जीवनी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहते, बहुत इंपॉर्टेंट है। राम वृक्ष बेनु महाप्रसाद द्विवेदी जी का बहुत इंपॉर्टेंट है। भोलेनाथ वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरा पेपर यहाँ पर मैं आपको एनालाइज करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 से देखो, मुहावरे का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। 9, 2, 11 हो गया, और आंखों का तारा, इसके अथवा का भी देख लो, समास विग्रह है। यहाँ पर देखो, अलंकार छंद आपको नहीं छोड़ना है, ना रस छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं, जो जो व्याकरण के क्वेश्चन सारे अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर गद्यांश देखने को मिलेगा पर प्रश्न क्रमांक 18 में, ठीक है, इसको पढ़ के आंसर आपको यहाँ पर देना है। इसके अथवा का भी आपको गद्यांश पद्यांश देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो, प्रश्न क्रमांक 19 देखो, यहाँ पर आप एक विषय का आपको उल्लेख करना है, संवाद लेखन करना है। तो क्या क्या है? COVID-19 और पर्यावरण सुरक्षा, अच्छे से पढ़ लेना है। प्रश्न क्रमांक 20 आपको पद्यांश देखने को मिलेगा, इसको पढ़ के संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21 गद्यांश देखने को मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 22 में आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, तो ये वाली एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाउड स्पीकर वाली, अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और बुक बैंक की करना है आपको, और एक SLC की कर लेना है, स्थानांतरण वाली, और छुट्टी की तो याद होगी से आपको। और यहाँ पर आपको निबंध देखने को मिलेंगे, तो निबंध सारे इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। इस पेपर को भी याद कर लेना आप, तो आपके पासिंग मार्क्स आराम से बन जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट पेपर के साथ। अभी के लिए आप इनकी तैयारी करो। थैंक यू बच्चों।